हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देखिए, हम आए थे यहाँ पे नींबू तोड़ने के लिए। ये नींबू का पेड़ है, आप देख सकते हैं। मैं इसी नींबू को तोड़ने के लिए आया था। यहाँ पे एक ही नींबू बचा हुआ था, यहाँ पे ऐसे ये फरा हुआ था, तो इसे तोड़ने के लिए आया था। तो वैसे तो नींबू का सीजन चला गया है फरने का। एक ही यहाँ पर बचा हुआ था, इस पेड़ पर एक ही नींबू बचा हुआ था, इसको तोड़ने के लिए आया था। तो आप देख सकते हैं, मैं तोड़ने के लिए आया था तो इधर मुझे ये दिखा, आप देख सकते हैं, ये साँप का केंचुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऊपर तक ले, ये सांप का केंचुआ है। सांप केंचुआ छोड़ कर चला गया है, पता नहीं कब का। ये आप बता सकते हैं किस सांप का केंचुआ है? अगर आपको पता नहीं तो बता दूँगी, गेहूं सांप का केंचुआ है, पता नहीं ये कब का छोड़ कर चला गया है केंचुआ। आप देख सकते हैं, ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। और ये वैसे नींबू का पेड़ है, यहाँ पर नींबू तोड़ने के लिए आया था। ये नींबू यहाँ पर ऐसा फड़ा हुआ था यहाँ पे, और इसे तोड़ लिया मैं। और तोड़ के जा रहा था तब मैंने देखा कि यहाँ पे इसे सांप का पता नहीं कब का केंचुआ छोड़ के चला गया है। और आप इधर नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी इसका थोड़ा सा ऐसे बचा हुआ था, टूट गया है ऊपर से गिर के, आप देख सकते हैं ये। तो आप देख सकते हैं, ये गेहूं सांप जो होता है, तो ये गेहूं सांप का केंचुआ है, केंचुआ है। वैसे आप देख सकते हैं, इधर जंगल है, तो हो सकता है इसी जंगल में से निकल करके कहीं से ये सांप कभी रात में, हो सकता है केंचुआ छोड़ के चला गया होगा। तो इधर ही देख लीजिए कितना सारा जंगल है, और इधर ही नींबू का ये पेड़ है। नींबू वैसे तो नींबू का सीजन चला गया है, जो फटता है सीजन, वो सीजन निकल चुका है। लेकिन ये नींबू एक ही इससे बचा हुआ था, तो अभी इसे तोड़ने के लिए आया था। इस ये तब तक मुझे ये दिख गया, ये सांप का केंचुआ, आप देख सकते हैं। गाइस, आपने देख लिया सांप केंचुआ कैसे छोड़ता है, देख लीजिए वहाँ पर आपको दिख रहा है। और नीचे भी पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।